भाई साहब RANGKYLLIAW भाई सुबह सुबह अब तो तेरा भाई नहीं छोड़ेगा भाई भाई नी भाई साहब कुछ भी बोलो सुबह सुबह इतना ठंड होता है ना यार। अरे रे रे ओ भाई क्या चल रहा है भाई। तो हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं मोरो मोरो यहाँ से 35 किलोमीटर। तो हम लोग तो मैप देख के जाएंगे तो आप लोगों को पता ही वो 35 तो होगा नहीं। वहाँ पे एक ब्रिज है तो ब्रिज का प्रोनाउंस कैसे कर रहे हो तो मेरे को थोड़ा हार्ड है तो इसलिए मैंने प्रोनाउंस नहीं किया। तो हम डायरेक्ट जाके आप लोगों को ब्रिज ही दिखा दूंगा। आओ भाई पगला भाई साहब। अरे सुबह सुबह क्या क्या देखने पड़ जा रहा है भाई। और हम लोग जा रहे हैं मैं और एरोक्स, ये रहा मेरा प्यारा एंडोर्क और वो रहा एरोक्स। ओ क्या क्या था वाला। ओ भाई क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई और इसलिए इतना ट्रैफिक है इस तरफ। अरे रे रे इसका इतना पावर है ना भाई, उसका पिकअप एकदम बढ़िया है समझ रहे, इसलिए वो जब भी निकालता है ना तो उसका थोड़ा तेजी के साथ निकल जाता है और मेरा नहीं निकलता है। मेरा थोड़ा पिकअप लेने में थोड़ा वक्त लगता है। कुछ भी बोलो सुबह सुबह इतना ठंड होता है ना यार। आज तेरे भाई ने ग्लव्स पहन कर आया है और मेरा हलवा टाइट हो जाता है भाई, इतना ठंड लग रहा है मेरे को। तेरे भाई ने सबको पीछे कर दिया। लेट्स गो देखते हैं 72 80 81 लेट्स गो। अब तो तेरा भाई नहीं छोड़ेगा भाई। 90 93 ओ भाई एरोक्स वाला का ना पता है क्यों डर लग जाता है, क्योंकि उसका सिंगल साउंड नहीं है ना, और जब वो साउंड भी जाएगा पता भी नहीं चलता है भाई। 63 64 लेट्स गो भाई साहब। अरे भाई ठंड में इतना इधर 89 भाई वो एरोक्स वाले के दिख रहे हो कितना स्पीड है उसका भाई साहब। पूरा फॉग भी नहीं हटा अभी तक भाई साहब। भाई अबे बहुत ठंड है रे। हाँ इधर ऊपर ज्यादा बहुत है, बहुत ज्यादा होता है भाई, इतना ठंड है ना मेरा पूरा पैर ठंड हो गया देखो। अरे ऐसे करके चलाना पड़ेगा। चले जाता था अभी। अब थोड़ा धूप निकला है ना तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है चला कर भाई, वरना उस वक्त इतना ठंडा लग रहा था ना भाई साहब। भाई और गांव में ना लोग जल्दी उठ जाते हैं भाई, जो सिटी में ना जैसे हम लोग अपना बात कर रहे हैं तो हम लोग का भाई उठता बहुत है सूझे। और यहाँ वाले लोग भाई सुबह 6 बजे 5 बजे वो भी इतना ठंड में उठ जाते हैं। स्पीड ब्रेकर वो भी 3 एक साथ शायद यही रोड है क्या। मैप देख के तो हम लोग चल रहे हैं भाई साहब, मैप देख ले भाई किधर जा रहा है। भाई कौन सा गांव घुस गया हम लोग, ये भाई पता चला इधर घूमो गया तो अंदर जाके लौड़े चल रहे ये ना रोड भी नहीं पता है। फोटो है तेरे पास? हाँ तो कोई मामा को दिखा के पूछ लेगा कहाँ है। ओ भाई हम लोग कहाँ है अभी, स्वेर, वेलकम टू स्वेर विलेज। हम लोग पहुँच गए स्वेर विलेज, देख रहे हो गांव आने का ना भाई यही खुशी बहुत होता है भाई,
फिर रोड और व्यू ऐसा दिखता है ना, देख रहे हो क्या खूबसूरत लग रहा है भाई साहब। हाँ क्या खूबसूरत लगता है ना भाई साहब सुबह सुबह। बस वही उस तरफ आने के टाइम ना बहुत ज़्यादा ठंड होता है, इतना ठंड होता है ना भाई ऐसा लगता है भाई अब वापस चले जाऊँ। लेकिन थोड़ा गट्स करके ऊपर आ जाएंगे ना भाई साहब तो ऐसा सब दिखने मिल जाएगा। बस हम लोग मैप के भरोसे चल रहे हैं भाई, वे रोक रोक के हम लोग मैप देख रहे हैं। बस मैप वाला हम लोग को पहुँचा देना भाई ब्रिज। व्यू भाई साहब देख रहे हो क्या खूबसूरत लग रहा है सुबह सुबह। ओ भाई दिख गया। रंग RANGKYLLIAW सो कैसे प्रोनाउंस करें थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए, वो भी एक टूरिस्ट स्पॉट है तो आप प्रोनाउंस कर लेना अपने दिल में। मैंने बोला था ना कि हर टूरिस्ट स्पॉट जाने का पहले रोड हमेशा ख़राब होता है। तो देखो रोड ख़राब हो गया ना तो मतलब हम लोग स्पॉट पहुंचने वाले हैं। और क्या चाहिए भाई ऐसे रोड मिल जाए। सिर्फ में ना हाथ दर्द हो जाता है पूरा स्कूटी गिर जा रहा है। हम लोग पहुँच गए हैं वो ब्रिज, ये देखो देख रहे हो भाई जन्नत है भाई शिलोंग जन्नत भाई। ये व्यू देख के जो दिल से खुशी निकलता है ना भाई साहब देख रहे हो। और हम लोग भाई बहुत जल्दी पहुँच गए, ये ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्रॉस करेगा भाई इतना दूर से क्रॉस नहीं करेगा तो भाई देख क्या है। अबे चल ना भाई तुम एडवेंचरस कराएगा हम तुमको कुछ तुमको याद रहेगा। नहीं चल सब जुड़ा है कुछ तो लिखा है नोक ओनली 5 मिनट। ये देख देख पढ़ ले इसको हो गया 5 मिनट किया अब तो कोई भी नहीं है इधर। माशाल्लाह देख खूबसूरती भाई खूबसूरती ऑफ शिलोंग देखो गाइस ये देखो भाई साहब कोई पूरा हिल रही है। आने दिल्ली भाई कितना क्लोज आ गया था भाई वो। और हम लोग निकल गए हैं वापस अपने घर जाने के लिए और थैंक्स टू गूगल मैप भाई वो ब्रिज तक पहुंचा दिया। हम लोग ने सोचा था मतलब बार बार रो के मैप ही देख रहे थे भाई कहाँ है और एट लास्ट हम पहुंच गए। ओ भाई क्या साउंड लगाया अभी क्या ही एग्जॉस्ट लगा दिया इसमें बाप रे बाप मारुति के तो ओ भाई क्या साउंड लगा भाई भाई साहब देख रहे हो। मैंने बोला था ना भाई यहाँ कस्टमाइजेशन बहुत चलता है भाई एक एक व्हीकल ये लोग कस्टमाइज करते हैं ना भाई देखने लायक का होता है। जब प्लेन्स वाले लोग आते हैं ना तो वो लोग को शिलोंग में मुश्किल होता है, हिल स्टेशन में थोड़ा मुश्किल होता है चलाने में। ऐसे ही होता है जैसे अगर हम लोग प्लेन्स एरिया में जाएंगे तो हम लोग को वहाँ में मुश्किल होगा चलाने क्योंकि वहाँ का ट्रैफिक और यहाँ का ट्रैफिक में बहुत फ़र्क होता है। वहाँ में ज़्यादातर तो वो लाइट चलता है और हम लोग यहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ा रहता है, बस यही डिफरेंस है और ये बहुत मेजर डिफरेंस है। कमेंट एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना अगर दिल में कुछ हुआ तो।